सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भयानक मात्रा में बादल फटा। बादल फटते ही जबरदस्त पानी का कहर बरसा, भीषण तबाही देखने को मिली। पल भर में सब कुछ तहस नहस कर दिया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रायसन के कायस नाला में सुबह करीब 4 बजे के आसपास जबरदस्त बादल फटा, जिसकी चपेट में आने से करीब 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, जब भयानक रूप से मात्रा में पानी आया तो करीब 10 से 15 गाड़ियां इस भयानक पानी में बह गई हैं, यानी कि यहां पर नुकसान भी झेलना पड़ा है। काम को जोड़ने वाली सड़क भी यातायात के लिए अवरुद्ध हो चुकी है। बादल फटने के बाद कायस गांव में जो लगता नाला है उसमें अचानक इतने जबरदस्त मात्रा में पानी आया कि गाँव में भी अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। इसके अलावा कुल्लू के ही करहाल में भी बादल फटा है और जिसकी वजह से नेवली स्कूल और कई घरों में पानी भर गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, मौसम विभाग ने अभी भी हिमाचल प्रदेश में 22 जुलाई तक भयंकर बारिश की संभावना जताई है और साथ में सैलानियों को सावधानी बरतने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक लोगों को उफनते हुए नदी नालों, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों, जल भराव वाले स्थानों पर नहीं जाने और गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी है। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो हिमालय क्षेत्र होता है, वहाँ पर जबरदस्त बारिश का कहर बरस रहा है, जिसकी वजह से यमुना और गंगा नदी भी विकराल रूप धारण किए हुए हैं।